जो कि इंसान मना कर चुका है 10 बार कि यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे व्लॉग मत बनाओ, फिर भी पॉइंट टू बी नोटेड, फिर भी इन लोगों को जाना है वहां पर व्लॉग बनाने। गाइस, आई थिंक मुझे व्लॉग हेट के साथ नहीं, प्यार के साथ स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए आप लोग व्लॉग देखो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा तबियत बहुत अच्छा है, पहले से ना मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ। तो अभी का व्लॉग मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे जाने शायद से कहीं पे, मैं मोटो व्लॉग करूँ, बट उससे पहले मेरे को अपना इंट्रो कम्प्लीट करना है। तो हाँ, ओ जीसस मदर ऑफ गॉड, गाइस अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं फोन ऐसे करके फेंकते रहता हूँ। तो हाँ गाइस, बस मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इतना गोरा नहीं हूँ क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है तो ये ज्यादा थोड़ा अट्रैक्ट कर लेता है। गाइज, मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम अमन है, आप लोग देख रहे हो अमन कुमार व्लॉग्स। एंड आई गेस गाइज, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ एंड मैं कह सकते हो आप लोग कि पार्ट टाइम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और फुल टाइम व्लॉगर हूँ। आई डोंट नो, मेरे क्लास वाले भी देखते हैं, मेरे मैम लोग भी देखते हैं। आई होप, आई थिंक मैम आप लोग ठीक हो, कंफर्टेबल हो गए इस चीज के साथ। सत्य है, वो सत्य प्रेजेंट करना चाहिए। तो यस, मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल, कुछ काम है मेरे को, आप लोग जाओ मोटो व्लॉग देखो। एंड मैं बस बोलना चाहता हूँ गाइस, हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 7000 सब्सक्राइबर के। तो आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आता होगा, तो आप लोग ये व्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी मेरे को बाइक अंदर करना है मेरे भाई की, क्योंकि मेरा भाई ना अभी आजकल नहीं पता उसको क्या जोश चढ़ा है कि वो मेरा बाइक लेकर घूमता है। पहले मैं उसका बाइक लेके घूमता था, वो मेरा बाइक लेके घूमता है, और मेरा तो कॉलेज का कुछ काम हम नहीं रहता है ना भाई। ये गाड़ी क्या अलग लग रही है चलाने में, मतलब मैंने गोबर खून दिया। एक गाड़ी मेरे को इतनी छोटी लग रही है ना चलाने में। तो गाइज, मैं निकल गया अब हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है, मैं बता दिया हूँ इंट्रो में ही। और गाइज, मेरी गाड़ी ऑफिशियली 330 किलोमीटर चल चुकी है भाई। सोच रहे हो मतलब कितना ज़्यादा होता है 330 किलोमीटर। और बस अब यही है कि अब सीधा हॉस्पिटल पहुँचना है जल्दी से। मौसी का सेकेंड शिफ्ट है तो मौसी वहीं पर होंगी। और गाइज, आज मकर संक्रांति है, तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। आप सभी लोग पतंग उड़ा रहे होंगे और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं कुछ काम से। हमको एक्चुअली में कुछ सामान लेना है मौसी से, तो मौसी रहती है बहुत दूर यहाँ से, 7-8 किलोमीटर दूर। तो मौसी का जो हॉस्पिटल है, जिस जहाँ पर वो काम करती है सेक्टर 9 का, वो बहुत पास है हमारे घर के। तो हमको कुछ भी सामान लेना रहता है, फिर देना रहता है, तो हम यहीं चल देते हैं, यहीं दे देते हैं उनको। तो आज ऐसी इसी तरीके से जा रहे हैं हम सामान देने के लिए। आंटी क्या चला रही हैं यार, पता है लड़कियों का ना ब्रेक आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कहाँ रहता है। लड़कियों का ब्रेक ये नहीं रहता, लड़कियों का ब्रेक ये नहीं रहता, ये तो क्लच है सॉरी, लड़कियों का ब्रेक रहता है पैर, पैर रहता है लड़कियों का ब्रेक। तो अपने को जाना है अभी यहाँ से लेके लेफ्ट से लेके फिर राइट जाना है, क्योंकि अपन का हॉस्पिटल जो है ये बस यही पास में ही है। इंडिकेटर तो हम दे ही दिया, और ये है हॉस्पिटल जहाँ पर अपन को जाना है अभी अंदर पे। यहीं कहीं पे रखता हूँ, है ना, बोल दूंगा कि भाई मेरे को तुरंत जाना है, तुरंत आना है। तो बस मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे मेरा हेलमेट पकड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि ना हेलमेट मैं रख नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि चोरी हो जाएगा। और हेलमेट भी मेरा 2000 का है, और ऊपर से जितना भी मेरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप है वो भी बहुत ज्यादा महंगा है, फिर मैं रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल भी। तो मैं गया और आया, घर बहुत पहले आ गया था, बट अभी मैं डिसाइड किया कि एक व्लॉग आई थिंक मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हॉट टॉपिक चल रहा है यूट्यूब में अभी ना, तो फिर मैं सोचा कि मैं भी इसमें व्लॉग बना लेता हूँ। ये बात एक्चुअली में सौरव जोशी व्लॉग्स, आई थिंक आप लोग नहीं जानते, तो मैं आप लोगों को सबसे शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि सौरव भैया इज अ नंबर वन व्लॉगर इन इंडिया राइट नाउ, एंड ही इज गुड गाय, ही इज अ गुड गाय, ही इज इंट्रोवर्ट। उनके ब्लॉग से देख के पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, वो अपने प्रोफेशन अपने काम के साथ साथ खुलते चले आ रहे, तो इंट्रोवर्ट अभी नहीं है, बट पहले इंट्रोवर्ट थे, बट
इंट्रोवर्ट हमेशा इंट्रोवर्ट ही रहेगा, ठीक है, वो एकदम एक्सट्रोवर्ट नहीं हो जाएगा लोगों से बात करना, और ऐसे मेरे जैसे कभी फ्लर्ट करने नहीं लगेगा वो। बट द फैक्ट इज मैं ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो कल हुआ, मेरे को जो कल फील हुआ, और मैं सौरभ भैया का व्लॉग देखता हूँ पूरा, तो कल जो मेरे साथ हुआ मेरे को लगा कि आई थिंक जो सौरभ भैया फील करते होंगे ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यूट्यूब पे इतना व्लॉग, इतना एक्सपोज वीडियो बना हुआ है उनके ऊपर, ठीक है, तो इसका मेन बात है कि जो लड़के लोग हैं जो जाते हैं उनके घर पहले मिलने के लिए, भाई भाई वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ये वो, उसके बाद ठीक सब ठीक, फिर घर आओ उस व्लॉग को एडिट करो, घर में बताओ कि सौरभ ने मेरे से बात नहीं किया, मेरे से ऐसे बात नहीं किया, मेरे से वैसे बात नहीं किया। एंड ब्रो यू नो द फैक्ट इज कि देखो इन लोग का साइकोलॉजी क्या है कि सबसे पहले किसी के घर जाओ, वहां पे व्लॉग बनाओ, जो कि इंसान मना कर चुका है 10 बार कि यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे व्लॉग मत बनाओ, फिर भी पॉइंट टू बी नोटेड, फिर भी इन लोगों को जाना है वहां पर व्लॉग बनाने, और फिर घर आना है, उसके बाद फिर व्लॉग में बोलना है कि यू नो लाइक वो मेरे से अच्छे से बात नहीं किया, एटीट्यूड है बंदे में। ब्रो कल क्या हुआ, कल मैं भी यूट्यूबर हूँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बिच। क्या हुआ कि ना कल किसी एक बंदे ने मेरे कॉमेंट सेक्शन में मेरे घर का एड्रेस डाल दिया, और आई थिंक मैं 4 घंटे बाद देखा, तो फिर मेरा माइंड इतना ज्यादा, मतलब कि मेरे को ना बहुत बुरा लगा वो चीज, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट प्लेस में रहता हूँ, यहाँ यहाँ पे अगल बगल सब बोल सकते हो कि नहीं चाहता मैं सीधा की, हालांकि मैं मेरी गलती है ये भी है कि मैं बहुत जगह वीडियो में बताया हूँ, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ धीरे धीरे वीडियो को ढूंढ कर। यू वॉचिंग दिस व्लॉग और जितने भी उनके घर जाते हो, तो गाइस डोंट डू दिस, ये अच्छा नहीं है, गलत है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर कोई इंसान मना कर रहा है तुम्हें आने के लिए, अगर आ रहे हैं बुला रहे हैं तो जाओ, नहीं बुला रहे तो मत जाओ। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ यार, एक्सपोज मत करो। ऑफ कोर्स आप लोग टाइटल थंबनेल से गलत समझोगे व्लॉग को, बट मैं आई थिंक सौरभ भाई के साइड में हूँ, एंड आई डोंट केयर सौरभ भैया इफ यू वॉचिंग दिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ यार, मत प्लीज, मेरे को भी कल हर्ट हुआ, तो फिर मैं सोच कि यार इसमें एक वीडियो बना देता हूँ। आप लोग यहाँ होता कि व्लॉग देख रहे थे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज का व्लॉग, थैंक यू सो मच, कल मैं मिलता हूँ आप लोग से नए व्लॉग में, आई थिंक आप लोग मेरा आवाज सुन सकते हो। मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है अभी, आई होप आप लोग मेरी बात को समझोगे, या फिर मेरा भी एड्रेस, किसी का भी एड्रेस रिवील मत करें। सौरभ जोशी ब्लॉग्स, आई लव यू ब्रो। हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स मी अमन, कैमरा चेक करो, कैमरा लाइक इट्स रोलिंग, यू नो पाकिस्तानी है सर, सो वी आर डूइंग लाइक राइट नाउ यूट्यूब ब्लॉग, वी आर शूटिंग ब्लॉग फॉर माय यूट्यूब वीडियो, एज यू ऑल नो, If you don't subscribe to my channel, you are suck, you're bitch. That's why I have like pain in my back, my tail is broken, not broken. Okay, it's good. Let's go, bro.